पहले पहले इस खबर को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत गंभीर खबर है। MiG-21 ये तस्वीरें, MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हुआ, हमने अपने दो होनहार पायलट खोए, दो होनहार पायलट। ये तस्वीरें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ और देश को इसलिए देखनी चाहिए इन तस्वीरों को, क्योंकि पिछले कुछ सालों से MiG-21 लगातार हादसों का शिकार हो रहा है, लगातार। अकेले MiG-21 लगभग 200 पायलट, 200 पायलट्स इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। और वरुण गांधी ने आज एक ट्वीट किया और मैं वो ट्वीट देख रहा था, वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, आखिर ये उड़ता ताबूत कब तक हमारे बेड़े में बना रहेगा, ये क्यों नहीं हटता। देश के एक सांसद ही सवाल उठा रहे हैं, सीमा जी कितनी गंभीर खबर है और हमारे देश में इस पर कोई चर्चा तक नहीं हो रही। MiG-21 200 पायलट, कितनी गंभीर चर्चा है, कितनी गंभीर विषय है ये देश के लिए। संसद में हंगामा हो रहा है, कोई इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। सिर्फ महंगाई, सोनिया गांधी, स्मृति ईरानी, वहां से हाय हाय, वहां से तुमने ये कह दिया, हम अपने जवानों को खो रहे हैं। MiG-21 200 जवान, क्या ये देश के लिए बड़ी खबर है या नहीं है? खबर नहीं कहूंगा मैं, शर्मनाक स्थिति है। सीमा मैडम, बेहद दुखद विषय है और शर्मापन की आत्मा को शांति दे। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने उठाया, जरूर इस पर सरकार विचार करेगी सर, और करना भी चाहिए। नहीं, विचार कहाँ हो रहा है, किस स्तर पर हो रहा है? देश की जनता को यह नहीं पता होना चाहिए क्या ये वाकई में उड़ता हुआ ताबूत है, जो एक बात खुद सांसद कह रहे हैं अपने ट्वीट में, खुद वरुण गांधी लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो ये कह रहे हैं कि ये उड़ता ताबूत है। देश की संसद को क्या ये नहीं सोचना चाहिए? सेना की सुरक्षा का मामला है तो कहीं पर कौतूहल नहीं बढ़ता जा सकता मैडम, इस पे कदम जरूर हम अपने नौजवान पायलट्स खो रहे हैं, ये कोई फिल्म नहीं चल रही रंग दे बसंती जी, ये फिल्म नहीं चल रही रंग दे बसंती। यहाँ तो ये तो इतना दुखद विषय है, इस पे तो ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। नहीं, हमारे जवानों की जब जीवन का प्रश्न होता है तो इस पे सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट चाहिए, इस पर क्यों नहीं बोलना चाहिए? सीमा मैडम आप मुझे बताइए। नहीं, आप पर हाथ रखिए, आप लोग इस देश का हर नौजवान हमारे लिए बहुत बहुत बहुमूल्य है, उनके जीवन तो उनके जीवन से तो इस तरह से नहीं करा जा सकता। लेकिन मैं ये बात कह रही हूँ कि इस पे कोई सियासत नहीं होती। हाँ, इस पे जरूर मुद्दा उठना चाहिए ये सरकार में, और उठेगा भी जरूर, इस पे विचार विमर्श किया जाएगा। पहले सीमा मैडम मैं आपको आंकड़ा बता देता हूँ, मैंने क्यों ये बात कही, मैंने कहीं चर्चा नहीं देखी इस पर कोई चर्चा भी हो रही है मेरे देश में, तो बस हिंदू बात निकली है। देखा ना, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कई चैनल्स में देखा, एक चैनल तो ऐसा था जिसने एक ट्वीट पर एक घंटा खबर चला दी, क्योंकि उसमें हिंदू था और मुसलमान था, एक घंटा एक ट्वीट पर खबर चला दी और 400 क्रैश, 200 पायलट्स की शहादत, 3 साल तक IAF में शामिल रहेंगे ये MiG-21, ये नियम के तहत बता रहा हूं मैं आपको, मैं इसलिए ये बात कर, गलत तो नहीं बोला? आपका तो काम ही है ये, जो चीज भी देखेंगे तो आप लोग जरूर मुद्दा उठाएंगे, लेकिन मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, जरूर सरकार इस पे सोचेगी और इस पे कोई एक्शन लिया जाएगा, जैसे भी होगा। नहीं हटाया जा सकता तो इसको थोड़ा सा ठीक तो किया जा सकता है कि किस तरीके से जो भी खामियां हैं वो पूरी की जा सकती। तो खामियां यही आप कह रहे थे, रक्षा बजट, रक्षा सौदा, मेक इन इंडिया, यही तो आप बात कह रहे थे और यही हकीकत है सर। देखिए, रक्षा के मामले में आप ये नहीं कहिए, बहुत ज्यादा हमारा देश रक्षा में सुदृढ़ हुआ है, बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ कमियां जो रह गई है उस पर मैं फिर कह रही हूँ कि हमेशा सीखना चाहिए और अमल करना। कब तक हम सीखेंगे? कांग्रेस की तरह नहीं, कांग्रेस की तरह नहीं, चिंतन मंथन शून्य रिजल्ट। लेकिन हमने कहा है अगर ये बात वाकई नहीं है, कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं है, देश का विषय है सर, देश का विषय है, देश का विषय है, और यही
हमारे लिए सर्वोपरि है और नौजवान की जिंदगी सबसे ऊपर जो हमारे सैनिक है। तो हम अगर ये सैनिकों की शहादत अपने नौजवान पायलट हम खो रहे हैं, हम सीख रहे हैं अपने पायलट खोकर। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि इस पर जरूर, इस पर जो होगी सीरियसली इस पर बात होगी।